दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों में बहुत से अजीब और गरीब रस्म रिवाज होते हैं। उनमें से एक इंडोनेशिया के दानी कबीले की एक रस्म है, जहां ख़ानदान के किसी फर्द की मौत पर ख़वातीन की उंगलियां काट दी जाती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के दानी कबीले में हर बार जब ख़ानदान का कोई फ़र्द इंतकाल करता है तो घर की ख़वातीन की उंगलियाँ के पालन नामी रस्म को पूरा करते हुए काट दी जाती है। ख्वातीन की उंगली का ऊपरी हिस्सा इस वक्त काट दिया जाता है जब कोई ख़ानदान का फर्द मर जाता है। कबीले के अफराद का मानना है कि इस तरह आबा अजदा की रूहों को सुकून मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले खून की गर्दिश को रोकने और दर्द से बचने के लिए ख़वातीन की उंगलियों को मजबूती से रस्सी से बांध दिया जाता है और फिर कुल्हाड़ी से उंगलियों का ऊपर का हिस्सा काट दिया जाता है। दानी कबीले का मानना है कि इस अमल के दौरान ख़वातीन को जो दर्द महसूस होता है, इससे इंतकाल करने वाले की मौत के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। दिलचस्प बात तो यह है कि मरने वालों की मौत के दर्द को कम करने की जिम्मेदारी कबीले के मर्दों पर नहीं बल्कि ख्वातीन के कंधों पर है, और यही वजह है कि ख्वातीन को अकेले ही इस तकलीफदार रस्म से गुजरना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया में कुछ लोगों ने इस रस्म को खौफनाक और वहशियाना करार देते हुए इसके खिलाफ एहतजाज भी किया, और हुकूमत इस रस्म को ख़त्म करने के लिए इकदाम कर रही है।